अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल कश्मीरी किचन। क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिमेन अपडेटेड। तो चलिए, आज की रेसिपी है चिकन यखनी, जो मैं आपको बताती हूँ कि घर में कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन, मस्टर्ड ऑयल, 1 kg कर्ड जामुदूद, दालचीनी, ब्लैक कार्डमम बड़ल, ग्रीन कार्डमम सब्ज़र, 1 egg, 200 ग्राम घी, आप कोई भी ले सकते हो, सौंफ, बैदान पाउडर, जीरा, पुदीना, साल्ट, नमक, हल्दी और लहसुन रोहन। अब हम चिकन को फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल लेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने मिकदार से लेंगे। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। एक एक करके आपको डालना है और तब तक फ्राई करना है जब तक ना ये डीप फ्राई हो जाए, ब्राउन कलर का हो जाए। जैसे ही ये ब्राउन कलर का हो जाए, इसको आप प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। अब हम प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ाएंगे। इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 teaspoon नमक और लहसुन ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसकी लिड बंद करेंगे और एक विसल तक हमें वेट करना है। अब हम चिकन के लिए यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमें घी लेना है। इसको गर्म करना है हमें। गर्म करने के बाद हमें गैस को बंद करना है और इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। घी ठंडा होने के बाद अब हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एग वाइट लिया है हमने, इससे दूध फटता नहीं है। दालचीनी, छोटी इलायची आप 6 से 7 ले सकते हो, बड़ी इलायची 2 ली है मैंने। सौंफ का पाउडर 1/2 teaspoon, जीरा 1/2 teaspoon, अभी हम इसको चलाते रहेंगे धीमी आंच पे। कंटिन्यूअसली हमें इसको चलाते रहना है जब तक ना इसमें उबाल आ जाए। आप बीच बीच में लो फ्लेम हाई भी कर सकते हो। ये देखिए, आप इसमें उबाल आ गया है। 2-3 उबाल आने तक हमें वेट करना है और गैस की फ्लेम हमें कम करनी है। अब हम इसमें मिंट ऐड करेंगे क्योंकि इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसको क्रश करके डालिए, 2 से 3 pinch। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा आ रहा है पुदीने का। ये यखनी की जान होती है। अभी आप वेट कीजिए 1 to 2 minutes। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसका जो हमने इसमें जो रस डाला था वो हमने इसी यखनी में डाल दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि इससे जो चिकन का मज़ा होता है वो इसी में रहेगा। अब हम यखनी को रिड्यूस होने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि मिंट का जो कलर है वो कैसे निखर के आया है।
जैसे ही चिकन सॉफ्ट हो जाए तो समझिए कि यखनी तैयार हो गई है। अब हमारी यखनी तैयार हो गई है, इसके बाद हम इसको बाउल में सर्व करेंगे और गरम गरम चावल के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल कश्मीरी किचन।